हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं यम्मी टेस्टी वेज मोमो और बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, देख लेते हैं कैसे बनाते हैं वेज मोमोस। तो पहले मैंने ले लिया है 1/4 कप पानी, 1/4 कप मिल्क। अब मैं बॉयल करूँगी 2 मिनट के लिए और मैंने मिला दिया है वाइट ऑयल 1 टेबल स्पून। अब देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है 1/4 टीस्पून। अब इसको मिला लिया अच्छे से सारी चीज़ को और पानी और दूध बॉयल होने लगा है। इस अवस्था में मैं ऐड कर दूंगी 1 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर और 30 सेकंड के लिए मैं मिक्स करूंगी मीडियम फ्लेम में। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और फिर इसको जल्दी जल्दी मिक्स करके एक और बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड किया ताकि जो मैदा लगा हुआ है वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँ। तो अभी देखिए 2 मिनट मैंने वेट किया, थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हुआ मैं सारे मैदे को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लिया। बस अब 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से कूदिए तो डो बन जाएगा बहुत अच्छा सा। इस डो को मैं ढक के रख दूंगी 20 मिनट्स के लिए और उसके बीच में बनाऊंगी इसका फिलिंग। तो अभी हमारा डो देखिए एकदम स्मूथ अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी है, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। अब फिलिंग के लिए मैंने पहले क्या किया कि सोयाबीन्स जो है सोया चांग को मैं बॉयल कर लूँगी। उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सोया चांग्स, उसको मैं डाल दिया खौलता हुआ पानी में बॉयलिंग वाटर में और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में मैं बॉयल करूँगी। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक 1/2 टीस्पून और 5 मिनट्स बाद मैं ये सोया चांग्स को छान के ठंडे पानी में डाल के इसको भिगो के रखूँगी और 5 मिनट। तो देखिए 5 मिनट बाद ये सोया चांग्स रेडी है, फुल गया है, डबल हो गया है साइज़ में। अभी हम इसको छान के ठंडे पानी में भिगो के रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसका सारा पानी हम स्क्वीज़ कर लेंगे, निचोड़ लेंगे और इस सोया चांग्स का मैं श्रेड कर लूँगी, छोटे छोटे टुकड़ा कर लूँगी। हमको इसके लिए सोया कीमा नहीं चाहिए, सोया चांग्स ही चाहिए क्योंकि हम इसका श्रेडेड सोया चांग्स यूज़ करेंगे अपने मोमोज में, जो वेज मोमो हम बना रहे हैं। और देखिए हम छोटा छोटा ऐसे चंक्स बना लेंगे। अब मैं ऐसे हाथ से दिखाया, आप यूज़ कर लेना, कोई सीजर यूज़ कर लेना। अब मैं ले लिया 2 टेबलस्पून वाइट ऑयल, उस पर मैंने डाल दिया कीमा, लहसुन का कीमा या मिंस्ड लहसुन गार्लिक 1 टीस्पून। अब मैं डाल रही हूँ प्याज 2 टेबलस्पून, प्याज को भी मैंने बारीकी से काट लिया है, एकदम चॉप्ड है, देख सकते हो आप, मिंस्ड है जो प्याज है, ऑनियन है। अब मैं धीरे धीरे बाकी सब्ज़ी डाल रही हूँ, बीन्स को भी मैंने बहुत ही बारीकी से काट लिया है, गाजर को भी बहुत बारीकी से काट लिया है। तो ये हम कुछ भी फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे। इससे जो मोमो का फीलिंग होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। आप कच्चा डालोगे तो उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता है। अब मैं अदरक का कीमा डाल रही हूँ, जो मिंस्ड जिंजर है वो डाल दिया 1 टेबलस्पून और हरी मिर्च या ग्रीन चिलीज, मिंस्ड ग्रीन चिलीज 1 टीस्पून। अब अपने स्वादानुसार डालना अगर आप कम तीखा खाते हैं तो। अब मैं 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में सारे चीज़ को बस सौते कर लूँगी। आप देख सकते हो मैं हाई फ्लेम में बस इसको सौते कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें मिलाने वाली हूँ जो हमने सोया चांग्स को, जो सोया चांग्स का श्रेड बना के रखा था, श्रेडेड सोया चांग्स, वो हम इसमें मिला देंगे। और ये सोया चांग्स ऐसे ही रहेगा थोड़ा बड़ा बड़ा, तभी हम जब वो मोमोज खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स यकीन मानिए, जो लोग वेज मोमो नहीं खाते हैं, मैं जो प्रोसेस दिखा रही हूँ पूरा, जैसा जैसे मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ वैसा बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है एकदम। और अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून, अब थोड़ा और ज़्यादा डाल दिया, मतलब 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम। अब मैं पत्ता गोभी भी डाल दिया। पत्ता गोभी को मैंने क्या किया था, जो कैबेज है वो मैंने हल्का सा ब्लंच कर लिया था। अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार, मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि हमने सोया सॉस भी डाला है उसमें थोड़ा नमक होता है। अब मैं डाल रही हूँ कूटी हुई काली मिर्च या ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून।
अब सारी चीज़ को फिर से हम हल्के हाथ से मिला लेंगे। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि हम मिक्सचर को ठंडा भी करना है, जो हमारा फिलिंग है उसको ठंडा करना है, तभी हम फील कर पाएंगे अपनी मोमोज़ में। तो अभी गैस ऑफ कर दिया और सारी चीज़ को मिला लिया। अब लास्ट में मैं गैस ऑफ करने के बाद मिला रही हूँ हरी प्याज के पत्ते या ऑनियन लिक्स, ये बहुत सारा मिला लिया एक मतलब कटोरी, आप देख सकते हो एक पूरा बंच मैंने इसको इसमें कट के मिला दिया। और इसको गैस ऑफ करने के बाद ही मिलाना है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा जब हम मोमोज बनाएंगे। अब रेडी है फिलिंग, तो चलिए चलते हैं बनाते हैं मोमो। मैं दो तीन तरह का डिज़ाइन दिखा देती हूँ, उसी में आपको जो पसंद है इजी लगेगा वही बनाएं। तो देखिए हमारा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका हम छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे या छोटा छोटा डो बना लेंगे, जैसे जितना मतलब आप जितने बड़े साइज़ का मोमो खाना चाहते हो वही साइज़ का बनाएं। हम मीडियम साइज़ के मोमोज बनाएंगे, तो ऐसे ही हम ये छोटा छोटा डो बना रहे हैं। इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको देखिए हम हमेशा ढक के रखेंगे ताकि ये हार्ड ना हो जाए। तो एक एक करके हम डो निकाल के उसको बेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो जब आप फिलिंग उसमें डालेंगे तो वो फट जाएगा, और बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो जब मोमो बन के रेडी हो जाएगी तो खाने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, एकदम कच्चा कच्चा टाइप का, एकदम अच्छा नहीं लगता खाने में। इसलिए मीडियम थिकनेस होगी जैसे जितना मैंने दिखाया। अब मैं फिलिंग इसमें ऐड करूँगी और जो मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ आपको, जो डिज़ाइन अच्छा अगर आता है वो करो, या फिर ये इजी डिज़ाइंस है, ऐसे डिज़ाइन से आप मोमो को बना लो। और फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मैं कोई भी रेसिपी आपके सामने लाऊँ तो सबसे पहले आप ही तक पहुँच जाएगा। और इसके लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना। तो देखिए हमने बना लिया, अब मैं थोड़ा पानी डाल दिया 3 कप। अब मैं इसमें सूप बना रही हूँ, चिकन सूप में मैं देखिए मैंने चिकन डाल दिया, थोड़ा हरी प्याज डाल दिया, नीचे मैं चिकन सूप बना रही हूँ और ऊपर मैं मोमो को स्टीम करूँगी। ऐसे अगर सूप के साथ मोमो को स्टीम करते हैं ना, नीचे सूप है और ऊपर मोमो, तो उस चिकन सूप के फ्लेवर में ना मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन अगर आप एकदम 100% वेजिटेरियन है तो नीचे प्लेन पानी से ही मोमो को आप स्टीम कीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आपका मोमो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा।